हेलो दोस्तों, डीएस बिंजो क्लास में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे पांचवा लेसन और छठवा अलंकार। आज बहुत सारा अलंकार करेंगे और एक तो गाना बजाने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। दोस्तों शुरू से हम इसी जगह से बजाते हैं, तो आज छठवा अलंकार भी इसी जगह से फिर करेंगे। आइए देखते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर जस्ट उल्टा देखेंगे इसका। सा नी धा पा म ग रे, नी धा पा म ग रे सा। ठीक है दोस्तों, ये कितने बार है? ये 7 बार है टोटल। आइए देखते हैं एक बार। 7 बार, 7 बार इस कारण क्योंकि सरगम के लिए कुछ समझ नहीं आ पाएगा ना, तो 7 बार गिनती लगा के भी सरगम कर सकते हैं। आइए देखते हैं। ठीक है दोस्तों, 7-7 बार है ये, फिर वापस जाएंगे। फिर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है दोस्तों, ये था छठवा अलंकार। इसके बाद आएगा सातवां अलंकार, आइए देखते हैं उसको। दोस्तों इसी जगह से भी सातवां अलंकार भी कंप्लीट करेंगे, आइए देखते हैं। रेमा गापा मादा पानी धासा। दोस्तों अब उल्टा देखेंगे। सा धा नी पा धा मा पा गा मा रे। ठीक है दोस्तों, ये था सातवां अलंकार। इसी को आपको स्पीड और करना है, आइए देखते हैं स्पीड कैसे करना है इसको। दोस्तों इसी को सभी जगह से करना है, एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पीस में काम आएगा आपको म्यूजिक के लिए। ठीक है दोस्तों, ये दोनों अलंकार आपको कंप्लीट करना है। अब बताएंगे गाना, इसका मैं अभी सरगम आपको वीडियो में दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद अभी गाना बताएंगे आपको। ठीक है, दोस्तों अब सीखेंगे गाना। शुभ काम करने से पहले गणेश जी को याद करते हैं, तो सबसे पहले आप सीखेंगे गणेश आरती। आइए देखते हैं कैसे बजाना है उसको। दोस्तों ये इसी जगह से बजाएंगे। आपको दोनों तरफ से सरगम आपको बताए थे, 29 रिश का बिंजु है, तो आपको दोनों तरफ से सरगम बताए थे। सबसे पहले स्टार्टिंग अपने ये प से, खुला सब तक का प से, इस जगह से ना, इस जगह से आएगा, देखना। ठीक है दोस्तों, जय गणेश देवा, यहां से होगा प से। उसके बाद माते जकी पार्वती, इस जगह यहां से लेना है, ये है नी। कैसे करना है? ठीक है दोस्तों, ये था इतना जगह का। इसके बाद इसका आएगा अंतरा। अंतरा किस जगह से आएगा दोस्तों? अब अंतर देखेंगे, इस जगह से आएगा सर से अपना।
म तीव्र है, म तीव्र मतलब ये म है तो म का तीव्र ये लगेगा। ठीक है दोस्तों, इसमें तीव्र लगा है आपको देख लेना, इसको मैं एक दिन और बताऊंगा माँ तीव्र क्या क्या सुर अलग लगेगा उसको, कोमल उमल को सबको पको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, ये था आज का लेसन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।